enemy down. और मेरे भाइयों, क्या हाल चाल यार। तो स्वागत है तुम लोगों का PUBG Lite की एक और नई धमाकेदार नहीं तबाही वाली वीडियो में। तो यार देखो, अब तुम लोग पूछोगे कि भाई इतने दिन से गेम प्ले वीडियो क्यों नहीं डाल रहे थे। तो देखो भाई, सिंपल सा रीज़न है, तुम लोग भी समझ सकते हो कि नया मोबाइल है भाई, नए कंट्रोल। क्योंकि भाई PUBG मोबाइल में तो खैर कंट्रोल तुम्हारे सेव रहते हैं, किसी भी अकाउंट में कभी भी लॉगिन करो कंट्रोल तुम्हारे वही आते हैं। बट इसमें जब भी तुम गेम अनइंस्टॉल करके दोबारा से इंस्टॉल करोगे, तुम्हारा भाई गेम टट्टी दोबारा से रीसेट होता है, हो जाता है। और तो और भाई, नया फ़ोन था तो भाई समझ रहे हो, हाथ वाथ सेट करना पड़ता है। तो भाई अब जाके बिल्कुल हाथ सेट हो चुका है। तो भाई अब गेम प्ले वीडियो आई है। अब देखो, कई लोग बोल रहे हैं कि भाई PUBG Lite टेस्ट बनाओ पोको X3 के ऊपर। तो भाई जल्द वो भी बना दूंगा, अभी नहीं, थोड़ा 3-4 दिन और खेल लूँ, और जब मेरे को लगेगा कि हाँ भाई अब बनानी चाहिए, तब भाई मैं बना दूंगा। मतलब 3-4 दिनों में बना दूंगा, क्योंकि भाई बनाना ज़रूरी है, कई बंदे लेना चाहते हैं यही मोबाइल। तो चलो अब बात करें गेम प्ले वीडियो के। तो देखो मेरे भाइयों, उधर रखा हुआ वेयर हाउस में ये सोच के कि भाई यहाँ पे मतलब काफ़ी सारे बंदे आएंगे, लेकिन भाई यहाँ पे एक ही बंदा आता है, जो भाई देखा ना सामने काफ़ी सारे वोटों को मार चुका था। तो भाई अब इस बंदे को मारेंगे और इसका किल भी चुराएंगे। तो बस देखो, एनिमी डाउन। तो देखो यार, अब इस बोट को मारने के बाद यहाँ से निकलने की कोशिश करता हूँ, लेकिन अभी देखना एक दो बोट और आ जाएंगे। तो भाई उन एक दो बोटों को भी मारूंगा और फिर देखो। एनिमी, एनिमी डाउन, एनिमी डाउन। अब देखो यार, यहाँ से इस बोट को मार के थोड़ी बहुत एम उठाता हूँ, तभी देखना रोड पे मेरे को दो बंदे दिखते हैं। तो देखो कैसे बजाते हैं इन बंदों को। एनिमी, एनिमी, अब देखो यार, यहाँ पे मैं काफ़ी देर से, मतलब समझ लो भाई काफ़ी देर मैं यहाँ पे रुकता हूँ, और भाई को मतलब देखने की कोशिश करता हूँ कि कोई बंदा गलती कर हेड वेड दिखाए, नॉक करूँ, उसके बाद रश करूँगा। क्योंकि भाई दो बंदे डायरेक्ट रश कर दूँगा तो बजा भी सकते हैं, और शायद से उनके पास स्टोल की होगी, तो मतलब अगर स्टोल की होगी तब तो भाई ख़त्म ही कर देंगे मेरी कहानी। तो थोड़ी देर यहाँ पर वेट करता हूँ, लेकिन भाई वो रश नहीं करते, ना ही मुंडी दिखाते, तो भाई मैं ही रश करता हूँ उनके ऊपर। तो देखो फिर क्या होता है। अब देखो गाइस, वहाँ से थोड़ा बहुत फॉलो बैक करके मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, क्योंकि भाई वहाँ से एंगल नहीं बनना था मारने का। देखो अब यहाँ से कैसे मारते हैं। एनिमी डाउन, एनिमी, एनिमी डाउन। चलो भाई, ये बंदे काफ़ी देर से मेरे को परेशान कर रहे थे भाई, मतलब ना तो पीक कर रहे थे ना ही रस कर रहे थे अकेले बंदे के ऊपर। तो चलो भाई, इन बंदों को भी अच्छी तरह से बजा दिया और इनको लॉबी में भेज दिया। अब वहाँ पे जाएंगे, अब साले मराएंगे, अब जो भी मराना हो इनको। तो देखो थोड़ी बहुत एम उठाता हूँ, उसको भी ले लेता हूँ, और भाई फिर यहाँ से निकलता है, मतलब निकलते हैं बंदों की तलाश में। भाई एक ही जगह पर रहने से बंदे हमारे पास थोड़ी ही आ जाएंगे, है कि नहीं, तो ढूंढ ढूंढ के मारना पड़ेगा। तो देखो बगल में बग्गी है, तो बग्गी उठाते हैं, निकलते हैं सर बंदों की तलाश में। अब देखो गाइस, वहाँ से बग्गी लेके थोड़ा बहुत राउंड मारता हूँ, लेकिन भाई कोई बंदा नहीं मिलता है। तो भाई यहाँ से गन फायर के साउंड आते हैं, तो डायरेक्ट यहीं पे आ जाता हूँ। और देखो अब यहाँ पे मिलते हैं कुछ बंदे, तो देखो कैसे बजाते हैं इन बंदों को। एनिमी, enemy down.
down. अब देखो यार, इतनी इज्जत से इस बंदे की पेटी लूट रहा था, लेकिन भाई ये बंदा उंगली कर देता है तो भाई उंगली मतलब इस बंदे ने उंगली की, हम इसके में पूरा डाल देंगे, आप समझ लो क्या डाल देंगे। तो बस देखो, भाई साहब देख रहे हो, है तो बोट बट इसकी हरकतें पीरो प्लेयर वाली, वाह भाई। तो चलो छोड़ो इस बंदे को, मतलब इस बोट को यार, बंदा थोड़ी ना है, बंदे और बोट में काफ़ी ज़्यादा अंतर होता है। तो छोड़ो, इस बोट को मारने के बाद बग्गी उठाता हूँ और फिर निकल चलता हूँ, मतलब अपने रास्ते पे बंदों को मारने के लिए। तो बस देखो, अब देखो गाइस, रास्ते में एक बोट मेरे को मिल जाता जिसे मैं मार देता हूँ और फिर वापस से मैं यहाँ पर आ जाता, क्योंकि भाई मेरे को शक हो रहा था कि भाई यहाँ पर कोई बंदा है। और देखो फिर अब देखो यार, सच बताओ तो ये बंदा कुछ ज़्यादा ही ढीला था, इसलिए इसे मारने में कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं उठानी पड़ी, तो इजीली इस बंदे को मार दिया। अब देखो बग्गी उठाता हूँ, सीधा भागता हूँ, क्योंकि भाई रेड जोन था और रेड जोन भाई अपना मतलब कर्रा वाला दुश्मन है, समझ रहे हो। अगर मेरी पूरी स्क्वाड समझ लो खुले में टहल रही है रेड जोन के नीचे, भोसड़ी का मेरे ऊपर ही गिरेगा, वो भी एक नहीं दो बार, समझ लो एक बार गिरेगा दोबारा फिनिश कर देगा, और मेरे टीममेट को एक खरोच तक ही नहीं आती। अरे भाई भाई दुश्मनी है तो क्या कर सकते हैं। तो चलो देखो, अब यहाँ पे बंदे ढूंढते ढूंढते यहाँ पे आता हूँ और देखो फिर यहाँ पे आने के बाद क्या सीन होता है। अब देखो गाइस, जो बग्गी वाले बंदे आ रहे थे उन दोनों के पास डब्ल्यू एम होती है शायद, अब दोनों के पास हो चाहे एक के पास हो, भाई खोपड़ी तो फोड़ेगा ही है कि नहीं। तो मैं चुपचाप यहाँ पे आ जाता हूँ, क्योंकि भाई मुझे लग रहा था कि वो बंदे रश करेंगे, और जब रश करेंगे तो भाई टीपीपी लेके इजीली मार दूंगा बंदों को। तो यही सोच के मैं इस वाली छत पे आ जाता हूँ, लेकिन भाई वो बंदे ओपन में आ जाते हैं, तो अगर ओपन में आएंगे तो भाई समझ ही सकते हो क्या होगा उनके साथ। तो बस देखो, down. तो आखिरकार भाई इन दोनों बंदों को भी मैंने मार दिया और लॉबी में भेज दिया। तो भाई देखो, अब लास्ट के दो बंदे बच रहे थे, लेकिन भाई वो दो बंदे बड़े कमीने होते हैं साले, मतलब कहीं दिख ही नहीं रहे थे, और आखिर में देखना भी कहाँ पे मिलेंगे। तो भाई AWM उठा लेता हूँ, क्योंकि भाई AWM अगर मेरे को मिल गई तो भाई मैं छोड़ नहीं सकता, भले ही लास्ट का जोन बिल्कुल छोटा वाला, बंदे आँखों के सामने दिख रहे हैं, फिर भी भाई AWM तो अपनी जान है, तो भाई उठाएंगे ज़रूरी। तो बस देखो भाई, एक तुक्के सा हेडशॉट भी तुम लोगों को देखने को मिलेगा, क्योंकि भाई उठा अगर AWM उठाइए तो भाई चलाऊँगा तो ज़रूरी है कि नहीं। तो बस देखो, Enemy down.
तो मेरे भाई जैसा कि रस्म और रिवाज है, जैसे ही एक बंदा नॉक हुआ तुरंत भाई टपाक से रस कर दो और उस बंदे को नहीं, उस बंदे के टीममेटों को फोड़ दो। तो बस देखो आप कैसे मरते हैं, मारते नहीं भाई मरते हैं, मतलब मजाक कर रहा हूँ, देखो कैसे मारते हैं इस बंदे को। Enemy down!